Hello everyone, I am Dr. Pramod Shukla, a teacher and career guide. In today's class, we are continuing to discuss about third part of chapter first of class 11th book, Snapshot. You know, earlier in part 1 and part 2, we have discussed the introductory part of chapter first, The Summer of the Beautiful White Horse. Today we will discuss and finish the chapter. पहले मैं आपको इसका पहले जो चर्चा कर चुके हैं, I will tell you about that, कि जो मेन कैरेक्टर है अरम और मुराद, उनका प्लस थर्ड जो मेन कैरेक्टर है खुसरो, उसका भी है, और एक और मेन कैरेक्टर इसमें दिखता है, वो एक फार्मर है. इन सब के बारे में, जान बायरो, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, फिर नया क्या है उसको देखेंगे. जैसा कि शुरू होता है स्टोरी, स्टोरी की शुरुआत है, अरम अपने घर में सोया हुआ है सुबह सुबह लगभग 4 बजे. मुराद घोड़े में आता है, आवाज़ लगाने पर अरम खिड़की से देखता है, घोड़े में मुराद दिखता है, वो ऑफर करता है चलो घूमने चलेंगे, जिस पर एक बार विश्वास नहीं होता आरम को, घोड़ा उसे कहाँ मिला, फिर भी वो एग्री हो जाता है, दोनों निकल पड़ते हैं घोड़े में. वो वालनट एवेन्यू और शहर के बीच वाइन यार्ड और जो गड्ढा है डीच रोड तरफ होते हुए, लास्ट में एक ऑलिव एवेन्यू है वहाँ तक वो पहुँचते हैं. सुबह का समय रहता है. अरम जो कि इस स्टोरी का नरेटर है, कहानी बताने वाला है, मुराद के बारे में, मुराद के क्रेजी जो हैबिट है, मतलब उसका जो सनकीपन है, पागलपन, उसके बारे में बताता है. फिर दोनों अकेले अकेले घुड़सवारी करते हैं. दोपहर को, सुबह फिर ख़त्म हो जाती है, दोपहर का पिक्चर दिखाता है. अंकल, उनके एक अंकल हैं खोसरो, वो अरम के घर आता है, कॉफ़ी सिगरेट ये सब पी रहा होता है. उसी समय उसी शहर का एक किसान फार्मर है, जो जिसका नाम जान बायरो है, असीरियाई फार्मर है, वो घर आके बातचीत में बताता है कि उसका जो वाइट हॉर्स था उसके घर से चोरी कर ली गई है. वो चिंता व्यक्त करता है जान बायरो कि उसकी गाड़ी का क्या होगा, क्योंकि एक घोड़ा चले जाने से, चोरी हो जाने से उसकी गाड़ी को चलाने में परेशानी होगी, घोड़ा गाड़ी को चलाने में परेशानी होगी. बातचीत में ही वह फार्मर जान बायरो बताता है कि उस घोड़े की कीमत $60 थी. हालांकि खुसरो, जो कि खुद क्रेजी के जैसा था, वो बोलता है कि इस पैसे पर मैं स्पिटिंग करता हूँ, थूकता हूँ. हालांकि जान बायरो को बुरा लगता है. जो आरम की माँ है, जान बायरो के चले जाने के बाद समझाती है खुसरो को, लेकिन अब जो आगे है वो आरम वहाँ से निकलकर मुराद के घर आगे जाता है, बढ़ता है. यहाँ से आगे की स्टोरी हम देखते हैं. आई स्पीड आर मनी, अंकल खुसरो गुस्सा हो जाते हैं. मैं पैसे पर थूकता हूँ, ये उनका शब्द था. ही गॉट अप एंड स्टॉक आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, गुस्से से डोर पर धक्का मारते हुए बाहर निकल गए. माँ ने समझाया, एक्सप्लेन किया. ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, सी सैड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन. द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद्स हाउस. फार्मर चले गए, किसान जान बैरो चले गए, मैं भी मुराद के घर तरफ बढ़ा. ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई. ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, उसके हाथ में एक रॉबिन बर्ड था जिसका पंख घायल हो चुका था. वह उस बर्ड से बात कर रहा था, पूछा, यह क्या है, उसने कहा. वाट इज़ इट ही सैड, वह किसान जान बायरो, मैंने कहा. आई सैड,
ही विजिटेड अवर हाउस, वह हमारे घर आया था, उसे उसका हॉर्स चाहिए। तुमने उसे एक माह से उस हॉर्स को अपने पास रखा है। मैं तुमसे यह वादा करवाना चाहता हूँ, प्रॉमिस वादा करवाना चाहता हूँ, जब तक मैं हॉर्स राइडिंग न सीख जाऊँ तुम उसे वापस नहीं करोगे। यह आरम बोलता है, इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न। फिर मुराद जो कज़िन है वो बोलता है, तुम्हें लगभग एक साल लग जाएगा, हम लोग एक वर्ष तक किसी घोड़े को कैसे रख सकते हैं। मेरा जो मुराद है, कज़िन जो मुराद है, अपने पैरों के बल उछल पड़ा था। क्या बोले, वह साउटेड चिल्ला के बोला, क्या तुम गैरो गैलेनियन जो फैमिली है के एक सदस्य को चोरी करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो। घोड़ा इसका जो ओरिजिनल मालिक है जान बायरो, उसके पास जाना चाहिए। मैंने भी पूछा, कब? कम से कम 6 माह के अंदर, उसने कहा। उसने रॉबिन बर्ड को हवा में उड़ा दिया था। पक्षी ने कठिन परिश्रम किया, लगभग 2 बार गिर पड़ा, लेकिन अंत में वह उड़ के जा चुका था। प्रत्येक सुबह 2 सप्ताह का तक मेरा जो मुराद है, भाई है, मुराद है, कज़न है मुराद, और मैं उस घोड़े पर वाइन यार्ड की तरफ, बेलों के बाड़े से हम लोग जहाँ पे जाते थे उधर हम जाते और घुड़सवारी करते। हर सुबह जब घुड़सवारी करने की बारी मेरी आती तो वाइन यार्ड की तरफ बेलों और जो छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर से कूदता हुआ वह घोड़ा मुझे गिरा देता था और भाग जाता था। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि जिस प्रकार मुराद हॉर्स राइडिंग करता है, कुछ समय के बाद मैं भी उस तरह से हॉर्स राइडिंग सीख जाऊंगा, यह मेरा मानना था। एक दिन वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेजवेनियन, एक दिन सुबह की बात है, वो जो फेजियन का जो उधर वाइन यार्ड है, उस बाड़े की ओर बढ़ते हुए मेरी मुलाकात, हम दोनों की मुलाकात वह जो फार्मर है उसके साथ हो गई, जान बायरो से हो गई, जो कहीं सिटी की तरफ, टाउन की तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़िन मुराद सैद, मैं बात करता हूँ, मेरा जो कज़िन था मुराद था, उसने कहा, और वह बात करने का तरीका जानता था। उसने कहा, जान बायरो गुड मॉर्निंग। जान बायरो था, उसने घोड़े की तरफ बड़े ध्यान से देखा, इगरली बड़ा कौतूहल बस देखा, जवाब दिया, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। बेटा गुड मॉर्निंग, आखिर इस घोड़े का नाम क्या रखे हो। अब मेरा जो हार्ट था, मुराद कुछ बोला था आर्मेनियन भाषा में, बोला बड़ा प्यारा सा नाम है इसका, इसका जो नाम है, मुराद बोलता है, इसका नाम माय हार्ट है। जान बायर बोला, बहुत लवली नेम है, लवली नेम, यस माय हार्ट, हाँ लवली नेम, आई कुड स्वीट, इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम माय मेनी वीक्स अगो। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह को देख सकता हूँ। मुझे शंका है कि कई हफ्ते पहले जो मेरे यहाँ से चोरी हुआ था, यह वही घोड़ा होगा। मुराद भी बोला, ऑफ कोर्स, बच्चों ध्यान रखना, जो घोड़े का नाम इसने बताया माय हार्ट, ये ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मुराद बोला, ठीक है इसके मुंह को दिखा देता हूँ। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ हॉर्स, घोड़ा खोल कर देखता है और बोलता है, हूबहू यह वही घोड़ा है। यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता होता तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह मेरा ही घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, वो मैं ईमानदारी के लिए जानता है, तुम्हारे परिवार की ईमानदारी सबको पता है, फिर भी वो घोड़ा मेरे घोड़े का लगता है ट्विन से जुड़वा है, यह
किसी भी शंका में पड़े व्यक्ति को अपने हृदय की अपेक्षा, अपने हार्ट की अपेक्षा आँखों पर विश्वास करना पड़ेगा। ओके मेरे फ्रेंड्स, अलविदा माय यंग फ्रेंड्स, गुड डे, गुड डे बोलकर वो अलविदा हो जाता है। जान बैरो, गुड डे माय कज़िन मुराद सैड, मुराद भी बोल देता है। दूसरे दिन सुबह हम जल्दी उठे, अर्ली मॉर्निंग, फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले दिन वी टुक द हॉर्स टू जान बैरोज वाइन यार्ड। सुबह जल्दी जल्दी उसके बाड़े में छोड़ आए, कुत्ते भी नवाज़ किए हमारा पीछा कर रहे थे। इनटू हॉर्स पैटेड एंड देन वेंट, और मैं मुराद को कुछ धीरे धीरे कहा कि कुत्ते अब भौंकने लगे हैं, किसी और पर भौंकेंगे, मुझे कुत्तों से निपटना आता है। मुराद ने इर्द गिर्द घोड़े के इर्द गिर्द और अपने बाजू डाल दी, अपनी नाक को घोड़े की नाक से दबाया, उसे सहलाया, फिर हम चले गए। वी वेंट अवे दैट आफ्टरनून। उस दोपहर जान बायरो अपनी गाड़ी में बैठकर हमारे घर आया और मेरी माँ को वह घोड़ा दिखाया जो चोरी किया गया था और लौटा दिया गया था। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या सीखूं, वह बोला। उसने कहा घोड़ा पहले से कहीं अधिक तगड़ा लग रहा था, अच्छे स्वभाव का भी हो गया था। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे चाचा खुसरो जो कि उस बैठक में थे, इस बात से नाराज़ होकर चिल्लाकर बोले चुप रहो चुप रहो, तुम्हारा घोड़ा वापस मिल गया ना, अब तमाशा मत करो, अब इस पर ध्यान मत दो, पे नो अटेंशन टू इट। इस तरह से बच्चों, यह है क्लास इलेवेंथ छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो क्लास इलेवेंथ का बुक है स्नैपशॉट, उसका चैप्टर फर्स्ट ख़त्म होता है यहाँ पर। इसमें कुछ एक क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, फिर यू विल प्रोबेबली एग्री दैट दिस स्टोरी डज नॉट हैव ब्रिजलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन, देन व्हाट इज योर इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग। तो ये सब स्टोरी जैसे इस मतलब आप बोल रहे हैं कि आप इस बात से भी सहमत होंगे, यह कहानी कोई स्तब्ध करने वाली या कोई एक्शन रोमांचकारी नहीं है, रोमांचक नहीं है, फिर भी यह कहानी जो रीडर है आपके विचार से किस प्रकार रोचक लगता है ये इसमें पूछ रहे, तो आप लिख सकते हो कि यह दो आर्मेनियम जो पुअर बॉयज़ हैं उसकी स्टोरी है, दो की जो ट्राइब फैमिली है गैरो गैलेनियन उससे संबंधित हैं, जो कि ऑनेस्टी और ट्रूथ के लिए जाने जाते हैं, कैसे वो वाइट हॉर्स को चोरी कर लेते हैं, फिर उनको जान बैरों को जो इसका ऑनर हम वापस कर देते हैं, वो सब है। सेकंड जो क्वेश्चन है, डिड द बॉयज़ रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कंसेस स्ट्राइकन आर बिकॉज दे वर अफ्रेड, मतलब क्या वो वापस घोड़े को इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनका जो अंदर का सेल्फ कॉन्शियस है, अंदर की जो अंतरात्मा है वो उन्हें परेशान कर रही थी, या फिर वो अफ्रेड हो गए थे, डर गए थे। इसमें आप फैक्ट लिख सकते हैं कि जो दो लड़के थे आरम और मुराद, उनको जब पता चला वो जान बैरों को बिना किसी भय के, इसमें कोई भी डर किसी प्रकार का नहीं पता चलता, हो सकता है कि वो उनको अंदर से अंतरात्मा से पीड़ित होते हैं और दे देते हैं इस तरह से, क्योंकि वो जो उनका जो ट्राइबल जो फैमिली था गैरो गैलेनियन फैमिली, वो काफ़ी ट्रूथ के लिए और ऑनर के लिए जाना जाता था, ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था, तो वो इसी के चलते सेल्फ कॉन्शियस से दे देते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, वन डे बैक देर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस एंड लाइफ वाज स्टिल डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम द स्टोरी मूड ऑफ नोस्टालजिया कैन यू नरेट सम इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट माइट मेक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसमें क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, कहता है कि वन डे अच्छे और पुराने दिनों में से एक दिन जब मैं 9 वर्ष का था, यह दुनिया हर प्रकार की काल्पनिक और शान से भरपूर लगती थी और जीवन
भी रहस्यमय सपना था। ये इन्वर्टेड कॉमा। इस कहानी की शुरुआत इस तरह की घटनाओं की यादों से होती है। क्या तुम अपने बचपन की कोई ऐसी घटना का वर्णन कर सकते हो जो एक मज़ेदार कहानी हो? इसमें अपने मर्जी से कोई भी कहानी एक लिखा जा सकता है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये इस तरह से यह चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो बुक्स हैं प्रिस्क्राइब 11th के 10th के पूरे हिंदी में लेकर आऊँगा। आप सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए तो आपको जब भी मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर का डालूँगा आपको उसकी जानकारी टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी। धन्यवाद।